हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीप्ति गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ, और परीक्षा प्लस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है आज गणतंत्र दिवस है, और मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का 2019 का 7 जुलाई वाला CDP का सेक्शन मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं मैथ्स के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की, जो है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो बीकर की धारिता क्या है? चलिए ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। 3/7 भाग में पानी है। देखिए टोटल, अगर इसका बीकर मान लीजिए टोटल 7 भाग है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ये बीकर है, ठीक है, और इसमें टोटल 7 भाग है, ठीक है, और 3/7 भाग में पानी है, मतलब 3 भाग में मैं मान ले रही हूँ कि पानी है, ये मान लीजिए 3 भाग। बचा कितना आपका? जब टोटल 7 था, 3 भाग में पानी रहेगा तो 4 भाग ही तो आपका खाली बचेगा। और बोल रहे हैं कि पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो बाकी जब आप पानी भरेंगे तो इसी भाग में तो पानी भरा जाएगा, तो 4 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 16। 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। जब 1 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, तो आपसे पूछा क्या है, बीकर की धारिता क्या है। भाई टोटल हमने कितना माना था? 7 माना था। जब हमारी 1 की वैल्यू 4 आ गई है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 7 = 28 लीटर। आपका ऑप्शन कौन सा है? 14। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। अब रोही क्रम आसान होता है, लेकिन आप पॉइंट्स में कई बार गलतियां कर जाते हैं और आपका एक नंबर चला जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए आप पहले संख्याओं को देख लीजिए, 3.05, 3.005, या 3.50, या 3.005, या 30.5, या फिर 0.335। देखिए आप सबसे पहले सबसे छोटा तो यहाँ से देख पा रहे होंगे, यही होगा सबसे छोटा वाला, और सबसे बड़ा 30.5 आएगा, तो 30.5 आप देख लीजिए कहाँ से शुरू है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब इससे छोटा जो नंबर आएगा वो हम देखते हैं, 3.05 है, ये 0.05 है, लेकिन एक ही आपका आता है 3.50, तो इससे छोटा कौन सा हो जाएगा? 3.50। किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन हमने कट कर लिए, बाकी एक ऑप्शन और कट करना है, इसके बाद आपका हो जाएगा। अब देखिए 3.00055 या फिर 3.05, इसमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? देखिए अब मैं आपको, आप यहीं पे गलती कर जाएंगे, इसमें 3.055 है, ठीक है, और दूसरा है आपका 3.055 और 3.05, ठीक है। अब भाई इसमें तो 5 है, अगर हम इसके इधर पे कुछ नहीं है तो हम 0 ही मान लेंगे, लेकिन अब आप देखिए इसमें से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी, तो ऑब्वियसली ये वाली आपकी बड़ी होगी, तो 3.055 हमारा बड़ा होगा इसके बाद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा और 3 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। होप्स तो आप सबको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम लिए, ठीक है, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया, ठीक है, और इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट पैकेट का भार क्या होगा? देखिए बादाम कितने लिए थे? 5.3 किलोग्राम। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, यूनिट्स अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब 2100 ग्राम क्या लिया था? किशमिश लिया था। पहले तो हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तभी तो हम एडिशन दे पाएंगे ना, तो फिर 2100 ग्राम मैं इधर लिख देती हूँ, 2100 ग्राम को आप किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, तो अब हम इसमें 1000 का ही तो भाग देंगे, तभी तो हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम 2100 में जब 1000 का भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2.1 किलोग्राम हो जाएगा आपका किलोग्राम। ओके, तो 2100 ग्राम किसमिस मतलब 2.1 किलोग्राम किसमिस हो गई आपकी, ठीक है। और आगे बताया था 2.2 किलोग्राम काजू, 2.2 किलोग्राम काजू। ओके, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 4 2 6 और इधर से पॉइंट 5 2 7 2 9, 9.6 किलोग्राम आपका टोटल आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि भाई इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, 9.6 किलोग्राम आपका टोटल आ गया, ठीक है। 2 दर्जन की वैल्यू आपको पता ही होगी, 1 दर्जन बराबर 12 यूनिट, 2 दर्जन बराबर 24 यूनिट। भाई 24 पैकेट बनाए हैं तो 9.6 किलोग्राम का हम 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 24 चौको 96 होता है, आप सभी को पता होगा 0.4 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका आंसर किस में दिया है, ग्राम में दिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई हमारा आंसर तो आया नहीं, लेकिन आपको यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, ठीक है। जब किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, 0.4, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम अभी हमने आपको बताया था, इसलिए इसमें 1000 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 400 ग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, ठीक है। एक तो ये इन्होंने आपको कंडीशन दे दी कि 2 अंकों की हूँ और सम संख्या हूँ, तो अब हम यहाँ से देख लेते, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, भाई इससे तो हमारा कोई आंसर नहीं आया, ना कोई ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ। तो अब हम अगला देखते हैं, अगली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ, ठीक है। 3, 4 और 6 का देखेंगे, अब हम तीन और चार और छः से कौन कौन सी संख्याएं हमारी कटती हैं, अगर कोई हमारी ऐसी संख्या नहीं कट रही होगी तो वो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 से ये वाली कटती है, कटती है भाई, 16 3 48 होता है हमारा, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी, ये वाली 3 से कटती है, तो 3 से जब हम 3 एकम 3 और 26 26, तो 3 से हमारा कटता नहीं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली भी आपकी 3ों से कटेगी और ये वाली भी 3ों से कटेगी, इससे भी हमारे 3 ऑप्शन अभी आ रहे हैं। अच्छा, अगले इस वाले से आपके आंसर मिलेंगे, देखिए इन्होंने बोला है कि जो भी संख्या है उसके 9 गुणनखंड है, 9 से गुणनखंड ज़्यादा इसके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको गुणनखंड निकालना बताएंगे, लेकिन हम सीधा आंसर का बता दे रहे हैं जिससे आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर नंबर 4 है। अब हम आपको गुणनखंड निकालना बताते हैं कि कैसे निकलते हैं। देखिए 36 है, अब हमें देखना है कि इसके 9 गुणनखंड हैं या 9 से ज़्यादा हैं, ठीक है। पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, 2 की पावर कितनी आई 2 आई, 3 की पावर कितनी आई 2 आई, ठीक है। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हम जो भी पावर है आपकी इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसका इंटू कर देंगे दूसरे वाले से, उसमें भी 1 ऐड कर देंगे, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो यहाँ से 2 1 3 × 3 3 3 तो 9, इसका मतलब आपके 9 गुणनखंड किसके होंगे, 36 के, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कहता है कि आशा घर के खर्च में से कुल कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इतने रुपए का मोबाइल लेने के लिए भाई उसे कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 1 वीक का जो बचत होगी वो निकाल लेंगे, फिर जितना भी जितने रुपए का इसको मोबाइल लेना है उससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 वीक की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन्होंने बोला कि मंडे को वो 50 रुपये, मंडे को 50 रुपये बचा रही है, ठीक है, और वेंसडे को 100 रुपये बचा रही है, ठीक है, और शुक्रवार को मतलब फ्राइडे को 80 रुपये बचा रही है, ठीक है। बचा कितने रही है टोटल, 0,
8×5 13 230 रुपये। आप कह रहे हैं कि रविवार को 60 रुपये खर्च भी कर देती है इसी में से। जब हम 230 में से 60 रुपये खर्च कर देती है तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 170 आएगा। 0, 13 में से 6 गया 7 और 1, 170 रेट इसका कितना, 1 सप्ताह की बचत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितने रुपए का मोबाइल ले रही है, 5950 का, 5950 का मोबाइल ले रही है, लेकिन 1 सप्ताह में वो कितनी बचत कर रही है, 170 रुपये की। ठीक है, इसलिए 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, 17 से 3 बार जाएगा, 8 बचेगा और 17×85, मतलब 35 वीक्स उसको बचत करनी पड़ेगी तब वो इतने रुपए का मोबाइल खरीद पाएगी। 35 वीक्स मतलब ऑप्शन नंबर 2, तो आपका 5वें का सेकंड सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा मतलब सीटेट में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने डाल दिया, तो आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे जाके अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आपका एक नंबर आप ही का चला जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, अब हम इसको आपको चेंज करना बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए, 1 1 0 1 1, ठीक है, इसका बेस बाइनरी में आपको पता ही है बेस 2 लिया जाता है, ठीक है, और इसको डॉट 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 10 बेस में मतलब डेसिमल में चेंज करना है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, आप जो भी ये बाइनरी सिस्टम में नंबर दिया हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 1 1 0 1 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब पीछे की साइड से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 0 के नीचे आएगा वो वाली संख्या हम कट करते जाएंगे और 1 के नीचे वाली ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 16 होगी। अब इसकी 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। किसी की भी पावर 0 मान 1 रहता है, आप सभी को पता होगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 15 16 17 मतलब 1 1 1 2, 27 आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज करते हैं, ओके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। देखिए, अगर वर्ग की भुजा a होती है तो परिमाप कितना होता है, 4a होता है, आप सभी को पता होगा वर्ग ये रहा, ठीक है, और अगर ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, परिमाप मतलब इसके चारों ओर की माप, मतलब a a a a मतलब मिला के 4a, ठीक है। अगर 10 है भुजा तो कितना होगा परिमाप हमारा, 40 होगा कि नहीं, a की जगह 10 रख देंगे तो 10 चौके 40। अगर भुजा दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए 10 की जगह 20 कर दी जाए, 10 का दोगुना 20 ही होता है, ठीक है, तो फिर परिमाप कितना हो जाएगा, तो 20×4 हो जाएगा आपका, मतलब 80, और 40 पहले था हमारा, अब 80 हो रहा है, मतलब दोगुना हो रहा है, दोगुना आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। आसान सा सवाल है ना, एकदम से आप सबको ही लग रहा होगा, तो 7th का आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है x, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात करेंगे अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा चलिए, ये बताते हैं भाई, कह रहे हैं कि इसमें आपको ये वाला एक इक्वेशन टाइप का दे दिया, ठीक है, और आपको 5 कंडीशंस दे दी, अब बता रहे हैं कि कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो आपका क्या है, 72×28=36×4, ठीक है, 72 के अब हम जब देखिए, यहाँ पे 36 तो हमारा आया है, तो 36×2 करते हैं तभी तो 72 आता है, तो यहाँ पे हमें कितने की ज़रूरत है, 36×, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमारा ये वाला तो 72 बन गया, अब ये 28 है, 4 हमारा यहाँ पे है, तो 4×7 करते हैं तभी तो हमारा 28 आएगा, तो 4×ये जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो
बाकी के जो दो नंबर मिले वो कितने मिले, 2 × 7। अब इससे हम अपना आंसर निकालेंगे। देखिए 7 का गुणज है तो 2 × 7 = 14 होता है। 7 का गुणज है, बिल्कुल सही बात है गुणज हमारा। एक अभाज्य संख्या है, नहीं है भाई ये तो भाज्य संख्या है, ठीक है तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 10 से कम है, 10 से तो 14 बड़ा होता है ना, ये भी गलत हो जाएगा। एक सम संख्या है, 14 हमारी सम संख्या है, बिल्कुल सही है। 56 का गुणनखंड है तो 14 × 56 होता है, ठीक है 14 × 56, ठीक है इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ मतलब ए ए और डी और ई, ए डी और ई आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपसे पूछा गया है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश या 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। पहला है आपका चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक है आप सीधे से अगर श्यामपट्ट पर लिख देंगे जाके तो भाई वो कैसे समझ पाएंगे, वो तो नहीं जानते ना कि 1/4 आपका कैसा दिखता है। ठीक है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना या फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाला चित्र दिखाना। देखिए सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे ना, कोई भी एक चीज़ लेंगे जिसको हम ऐसे 1/4 में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको प्रदर्शित करने वाला चित्र दिखाएंगे बच्चों को, जिससे उनको पता चल पाए कि भाई ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे उसके सिंबल को बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या क्या आंसर जा रहा है, सबसे पहले दूसरा नंबर करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे और उसके बाद पहला पे आएंगे, मतलब बी और सी और ए, बी और सी और ए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई 16 × 25 को इन्होंने ये लिखा है, 8 × 2 × 5 × 5, ठीक है अब इसी लाइन को ये लिख दे रहे हैं 8 × 5 × 2 × 5, ठीक है फिर लिख दे रहे हैं 14 × 10, फिर लिख दे रहे हैं 400। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये गुणा का जो नियम है वो वितरण सिद्धांत है या साचर्य नियम है या फिर पुनरावृत्ति योग है या फिर प्रतिलोम गुणन सिद्धांत है। देखिए अब हम आपको बताते हैं, साचर्य नियम इसका आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएट लॉ। ओके, अब इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी गुणा में जैसे मान लीजिए ए लिखा है a × b × c ब्रैकेट में लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a × b, a और b को ब्रैकेट में ला देंगे × c, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर b × c है, ठीक है अगर ब्रैकेट के अंदर b × c है तो अगर हम अगले वाले में इसके इक्वली ये हो जाएगा कि अगर हम ब्रैकेट में a और b ले लेंगे और c को बाहर कर देंगे, वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे की गई है। 8 × 2 × 5 × 5 है, यहाँ पे इन्होंने कर दिया 5 को आगे ले आए 2 को पीछे भेज दिया, इसलिए इसमें साचर्य सिद्धांत लगेगा आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपसे पूछा गया है, पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर उनसे कोई बच्चा ऐसे पढ़ने में अच्छा है तो वो तो उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं ना, वो अपने आप को ऐसे 30 मार्क का समझेंगे और इनको कुछ समझेंगे ही नहीं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेटिव मेथड्स आप अपनाएंगे। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है आप सभी को पता होगा, आपने भरपूर तरीके से पढ़ा होगा कि भाई उनके लिए क्या करते हैं ब्रेल मेथड का यूज़ करते हैं, ब्रेल मेथड। ठीक है, ब्रेल मेथड आप सब जानते ही होंगे, और ये भी आपको यहाँ से जीके का क्वेश्चन पता होगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल दिवस हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, गणितीय प्रक्रम नहीं है, ये वाला वर्ड आप मतलब ऐसे नज़रें एकदम ढंग से तीखी करके देखिएगा, पक्षांतरण या मानदर्शन या कंठस्थ करना या फिर आकलन करना, ये तो हमारे भाई तीनों हैं। ठीक है, कंठस्थ करने की बात कभी भी नहीं करनी है, आप सभी को मैं बताती हूँ, हर क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे 13 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
14 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, ठीक है, वर्गीकरण या वर्ग समावेश या संरक्षण या मापन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जो वो मेजरमेंट होगा, लेकिन इसका आंसर कंजर्वेशन भी सही है, पर इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो क्या माना है, मेजरमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, जो कहता है कि संख्यांक और संख्या, न्यूमरल और नंबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्यांक एक प्रतीक है जो किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, किसी संख्या या क्वांटिटी को ही प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, संख्यांक का करते हैं, ठीक है। और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी बात हमारी सही है ना भाई। कोई भी संख्या है आप उसको कई तरीकों से लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर 2 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और रोमन में अलग लिख सकते हैं, इसलिए आपके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आपका दोनों कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी में 17 संतरे हैं, सबको मिलाकर कितने संतरे हैं। पहला ये आपसे कंडीशन दी हुई है, और दूसरी दी है कि एक इतने रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद इतने रुपए की वृद्धि हो रही है, तो नई कीमत क्या होगी, ठीक है, इसमें एडिशन करवाया जा रहा है। अब देखिए, योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित कैसे करेगा, ये तो मतलब मिला के एसोसिएट करके, मतलब सारी चीजों को देखा जा रहा है ना, एग्रीगेट करके, सॉरी, ओके। तो फिर इसमें ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 2, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन संरचना, संवर्धन मतलब बढ़ा के। अब भाई इसमें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसका नंबर बढ़ जाएगा ना, इसीलिए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो 16 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें क्या है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, क्या कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें तथा इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। पहला आयतन क्षेत्रफल लंबाई, या फिर क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, या फिर क्षेत्रफल परिमाप आयतन, या ये, ठीक है। देखिए, आप सभी को पता होगा आयत का आयतन तो भाई नहीं निकालते हैं ना, ये तो 2D क्षेत्रफल में आ जाता है, 2D में आ जाता है, इसलिए आयतन जहाँ जहाँ दिख रहा है आप सबको कट कर दीजिए, आयतन इसमें भी है, ये भी कट कर दीजिए, और आयतन इसमें भी है, इसलिए आपका एक ऑप्शन सही बचता है, क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। 17 का आपका सेकंड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, 18 में क्या है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में निम्नलिखित सही कथन को पहचानिए। पहला, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भाई आप सभी को पता होगा, बाल मनोवैज्ञानिक है एक हमारे, कौन, पियाजे। पियाजे क्या कहते हैं, कोई भी बच्चा है तो उसमें भार के संरक्षण की समझ आपकी पहले आएगी संख्याओं से। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई भी बेबी को एक 500 का नोट दे रहे हैं खेलने के लिए, और आप उसको 10 या 20 रुपए के कॉइन्स दे रहे हैं खेलने के लिए, तो वो आपका 500 के नोट से नहीं खेलेगा, वो आपके कॉइन्स से खेलेगा। इसलिए यहाँ से क्या होता है कि उसे ये नहीं मतलब है कि ये 500 रुपए कितने होते हैं, या फिर वो नहीं जानता है, लेकिन वो ऐसे वेटेड चीज को पकड़ रहा है ना, कॉइन्स को पकड़ रहा है खेलने के लिए, इसलिए आपका यहाँ से 18 का थर्ड नंबर सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह क्या है। पहला, संख्या की संकल्पना, या स्थानीय मान, या ज्यामितीय चिंतन, या फिर भिन्न। भाई देखिए, वॉन हेले के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, वॉन हेले के बारे में ये ना ज्यामिति चिंतन की बात करते हैं, ठीक है, सीधा सिंपल सा आंसर है, कुछ सॉल्व करने को या फिर डिस्कस करने को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 19 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 आपसे कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, ठीक है। पहला, प्रयत्न त्रुटि, या विधि, या चित्रांकन करना, या कंठस्थ करना। भाई कंठस्थ करने की बात तो हम नहीं करते हैं ना,
आपको हमने हर क्लास में बताया, जितनी भी हमारी आज के पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, चित्रांकन करना या पीछे से हल करना या रट लेना, रट लेना भी नहीं बताया है, ये कंठस्थ करना, रट लेना, रोट मेमोराइजेशन, इन सबको आप बल नहीं देते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका क्या आ गया, कंठस्थ करना, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 20th का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणा, भाई 0.3 और 0.2 को इन्होंने गुणा करके बताया कि 0.06 आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको समझाने के लिए कौन से शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा, पहला है आपका डेनिस ब्लॉक या फिर टेलर के गिनतारा या फिर संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आराम से कर लेंगे, इसमें आप ग्राफ पेपर से इजीली बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो 21st का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए या कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए या गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए या फिर छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। भाई NCF आपकी किसकी बात करता है, आप NCF की समरी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो NCF आपकी बात करता है कि जितना ज़्यादा आप बच्चों की ऐसे डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़ पाएंगे उतना ही बेटर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 सही हो जाएगा। तो 22 का फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 23 की, कहता है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, पहला एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर ये आपसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, मतलब जो खराब होगा, ठीक है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना या छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये भी सही है आपका, ठीक है। और प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, पीछे ही आपको बताया था NCF इसकी बात करता है। तो हमारा एक ऑप्शन बच रहा है जो गलत होता है और आपसे नहीं पूछा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये गलत क्यों हो गया, कठोरता से पालन नहीं करना है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी से आप बच्चे को पढ़ा पाए हैं ना, जितने आप ऐसे ईजिली उसको पढ़ा पाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपका 23 का सेकेंड सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 24th, इसमें क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, या फिर इसका ऑप्शन क्या कहता है कि ऐसे कार्यों की अविकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। भाई इसी की बात तो नहीं करते ना हम लोग, और आपसे नहीं पूछा है बेसिकली, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आगे की जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपके पास टाइम बस बचता है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 24th का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इतना आसान सा सवाल पूछ दिया, देखिए सीटेट में है ना, कि 18 होल 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 18 गुणा 4 प्लस 3, यही तो करते हैं, अपॉन 4, तो 18 चौके 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 बटे 4 मतलब 75/4। अब भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 × 1/4, आपसे क्या पूछा कितने चतुर्थांश है, 1/4 को ही तो आप चतुर्थांश कहते हैं और 75 आपका होल नंबर है, तो 75 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो 25th का आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, आधे छात्र क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, 1/4 क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, 1/8 क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, और आपका 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, 1/16 क्या खेल रहे हैं, शतरंज या फिर चेस खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या कह रहे हैं कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल हमारे कितने थे, 1/4 थे,
एक बटे चार की वैल्यू कितनी दी गई है, 160 दी गई है। बात कर रहे हैं कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज मतलब चेस, मतलब 1/16 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से सॉल्व होगा, 1/4 की वैल्यू 160 दी गई है। इसके दो तरीके आप मतलब करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से कोई होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, एक की वैल्यू निकालेगा, 160 गुणा 4, ठीक है, तो फिर गुणा करेगा ऐसे 16 चौके 64, 640 एक की वैल्यू आएगी, फिर वो निकालेगा 1/16 की वैल्यू। जब 1/16 की निकालेगा तो 640 में से कितना, 16 डिवाइड कर देगा, इसलिए यहाँ से आपका 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा जो लॉन्ग मेथड से जाना चाहेगा वो यहाँ से जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड से कैसे जाना है, देखिए 1/4 की वैल्यू 160 दी गई है, हमें निकालनी है 1/16 की, यहाँ पे 1/16 कैसे आएगा, जब आप 4 का गुणा यहाँ पे और कर देंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 4 का गुणा नीचे किया तो आप यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे नीचे, जब 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। आसानी से आ गया, कितनी आसानी से आ गया, देखिए 40 हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा, तो 26 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दिख रहा होगा आप लोगों को, ओके साइड हो जाती हूँ। दीपा एक डाकघर में पत्र पार्सल भेजने के लिए जाती है, डाक की दरें निम्न प्रकार से चित्रित की गई हैं। ये इन्होंने अपनी ऐसे चीज़ें बता दी कि भाई भी ये क्या कहते हैं, पत्र मतलब लेटर है और ये पार्सल का है, ठीक है, ये इसका इन्होंने ऐसे अमाउंट बता दिया और इसका ये बता दिया पार्सल का। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो पार्सल हैं दीपा के पास, एक 250 ग्राम का और एक 300 ग्राम का है, ठीक है। तो अब हम पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे, 250 ग्राम का पार्सल है, कितने पैसे देगी दीपा, देखिए 50 ग्राम के पार्सल के लिए 5 रुपये दे रही है, और उससे जो 50 ग्राम से ज़्यादा उसका अगर वेट होगा तो वो अतिरिक्त 3 रुपये दे रही है, ठीक है। तो 50 ग्राम हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपये हो गए, बचे कितने, 200 ग्राम, ठीक है, और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए कितना दे रही है, 3 रुपये, और 200 ग्राम में 50-50 ग्राम देखेंगे तो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, तो 4 × 3 मतलब 12 रुपये, मतलब टोटल दीपा पहले पार्सल का 17 रुपये दे देगी, ठीक है। बात करेंगे अगला, जो पार्सल कितने का है, उसका 300 ग्राम का है, ठीक है, 300 ग्राम में से 50 ग्राम तो 5 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, बचा कितना आपका 250 ग्राम, 250 ग्राम में 50 ग्राम कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा, और एक एक बार के लिए कितना दे रही थी, 3 रुपये, तो 5 बार के लिए कितना देगी, 15 रुपये, यहाँ से दीपा के कितने रुपये हो जाएंगे, 20 रुपये, 17 ये हो गए आपके, 20 रुपये ये हो गए, पार्सल के तो हमने निकाल लिए, अब हम बात करेंगे किसकी, लेटर की, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 20 ग्राम और 20 ग्राम या उससे कम, मतलब 20 ग्राम का तो इन्होंने बता दिया ना 5 रुपये लेगी, तो दीपा का यहाँ से 5 रुपये हो गया, ठीक है। अगला आपका है 35 ग्राम, 20 ग्राम के लिए 5 रुपये होता है, ओके, और बचा कितना 15 ग्राम, 15 ग्राम में 20 ग्राम के लिए अतिरिक्त वाला कितना उसका रुपये हो रहा है, 2 रुपये, तो 2 रुपये और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब कितना टोटल आएगा, आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, 7 × 2 = 9 = 5 = 14 = 5 = 19, 19 में एक हासिल जाएगा आपका, 2 × 1 = 3 और 1 = 4, मतलब 49 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, 49 मतलब ऑप्शन नंबर 4, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ओके ओके 28 देखिए क्या कहा गया है कि अंक आपको दिए गए हैं 2, 3, 4, 6, 7 और 8, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जाता है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या पूछी है ना, अधिकतम संभव लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, 8 है, 8 हम यहाँ लिख लेंगे, उससे छोटा क्या है, 7 है, तो भाई अधिकतम निकालना है, इसलिए हम सबसे पहले दोनों साइड बड़ा वाला नंबर लेंगे, ठीक है, 7 से छोटा 6, 6 के बाद आपको क्या दिया है, 4, 4 यहाँ लिख लेंगे, 4 के बाद 3 और आपका बचा 2, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, देखिए 3 और 2 = 5 हो गया, 6 और 4 = 10 हो गया, मतलब एक आपका ऑप्शन हासिल यहाँ से जाएगी, 7 × 1 = 8 और 8 = 16, मतलब 1605 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है, 29 और 30 मतलब दो क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं बस, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए
आप मतलब ऐसे स्टेशन के नाम दे दिए गए हैं और टाइमिंग दे दी गई है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, भोपाल से विजयवाड़ा तक की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट है, चेक कर लेते हैं। भोपाल हमारा ये है, प्रस्थान हमारा इतने बजे किया है, विजयवाड़ा पूछा है मतलब आगमन हो रहा है 14:15 पे, तो 14:15 से हम कितना माइनस करेंगे, 00.05, कितना आएगा, 10 और 14, 14 आवर्स 10 मिनट्स। जी नहीं, आपका तो 13 आवर्स 10 मिनट दिया है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करेंगे अगले ऑप्शन की। कहता है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। ठीक है, नागपुर से प्रस्थान कितने बजे करती है, 5:35। ओके, और चेन्नई आती कितने बजे, 20:45। आप यहाँ से 20:45 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे 15, मतलब 15 घंटे 10 मिनट, 15 घंटे 10 मिनट आपकी वैल्यू सही आ गई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। ओके, 29 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। देखिए, पूर्ण संख्या मैं कोई भी संख्या मान ले रही, यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने। ओके, क्या कह रहे हैं कि 50 में उसको जोड़ा जाता है, जोड़ दे रहे, 50 में हमने एक्स को जोड़ दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं और वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, ठीक है, हमने 50 में से फिर से एक्स को घटा दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, एडिशन करना है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, एक प्लस एक्स हमारे पास है, एक माइनस एक्स हमारे पास है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 50 और 50 आपका कितना हो जाएगा, 100, और 100 आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहे आपके आज के कितने 30 क्वेश्चंस, जो कि आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ था, जिसकी हम CDP का सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं और एक हमारा आज मैथ का हो गया। अगले सेशन में हम बात करेंगे EVS के बारे में। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई ऐसे जोरों शोरों से चलाते रहिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। 31 को आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और सफल होके वापस आइएगा। चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।